अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम। इन वीक नंबर 8 ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस वी आर स्टार्टिंग आवर वर्क विद एक्सरसाइज नंबर 2.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ। यहाँ हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और दोनों फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर हैं जिनका हमें सम मालूम करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है -13/7 +6/7। यहाँ हमारे पास दोनों जगह डिनोमिनेटर के अंदर सेम नंबर है, यानी दोनों जगह डिनोमिनेटर में सेम है। कोई भी दो नंबर या दो फ्रैक्शन जब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक उन दोनों का डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला नंबर है वो सेम ना हो। यहाँ हमें ऑलरेडी दोनों जगह 7 दिया गया था, तो क्या करते हैं, जो सेम नंबर या डिनोमिनेटर होता है उसे नीचे लिखा। ऊपर जो है फर्स्ट न्यूमिनेटर क्या था, -13 +6। जो भी न्यूमिनेटर होंगे वो अपने साइंस के साथ लिखे जाएंगे, माइनस के प्लस के साथ, -13 +6/7। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 13 में से 6 माइनस किए तो क्या बचेगा हमारे पास, 7। और साइन कौन सा आएगा, 13 का, बिकॉज 13 बड़ी वैल्यू है, -7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, -1। इसका क्वेश्चन नंबर बी है -9/10 +22/15। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो दोनों नंबर जो है वो सेम नहीं है, एक जगह 10 है एक जगह 15 है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने सवाल एज इट इज लिखा, -9/10 +22/15। अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या कहते हैं, जो दोनों नंबर्स होते हैं, दोनों डिनोमिनेटर हो, दो या तीन हो या जितने भी हो, हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं, 2 5 10। 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये एज इट इज़ आ गया। अब 5 और 15 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो हम 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ आया, 3 5 15। अब दोनों जगह 5 आया तो 5 5 एंड 5 5। एलसीएम का हमारे पास आंसर क्या आया, 2 3 6, 6 5 30। तो अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ क्या बन गया हमारे पास, 30। तो हमने सबसे पहले नीचे लिखा 30। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में या फर्स्ट नंबर में -9/10 में -9 हमने एज इट इज़ लिखा जो हमारा न्यूमिनेटर था। अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को। जैसे यहाँ 10 था और 10 30 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 का टेबल कितना पड़ेंगे कि 30 है, 10 3 30। तो -9 × 3 हो गया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस ऊपर वाले यहाँ जो न्यूमिनेटर था वो था 22 22 एज इट इज़ आया। अब यहाँ आया नीचे डिनोमिनेटर में 15 15 का टेबल इतना पड़ना है कि 30 है, तो 15 2 30। तो इस 22 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, -9 × 3, तो 9 3 27, यानी -27 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44। अब यहाँ माइनस प्लस फिर माइनस, अब 44 में से जब 27 माइनस हुआ तो हमारा आंसर क्या है, 17। बट यहाँ पे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज 44 जो है वो बड़ा नंबर है, 44 के साथ प्लस साइन है, तो हमारे आंसर में भी जो है वो 17/30 हमारा आंसर है। इसके बाकी तमाम पार्ट्स आप ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। थैंक यू।